नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूत्र है जो कि डिस्पोजिटर। डिस्पोजिटर के बारे में आप सभी को मालूम है, जो सिंपली जो लोग डिस्पोजिटर के बारे में बताते हैं या आपने सुना होगा। और बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई ग्रह, जैसे कि मैं एग्जाम्पल समझाऊँ कि मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर से कर्क लग्न की जो कुंडली बनी हुई है, इसके अंदर दूसरे भाव का स्वामी सूर्य है और सूर्य बैठा है वृश्चिक राशि के अंदर। तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी है, वो जो मंगल है, वो सूर्य का डिस्पोजिटर कहलाएगा। यानी सूर्य जिस भाव में बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा है, उसका स्वामी। और जो है कि यहाँ पर अगर आप पहली नज़र में देखें कि अगर कर्क लग्न की कुंडली के अंदर अगर वृश्चिक राशि के अंदर सूर्य बैठा है दूसरे भाव का स्वामी बन के, तो ये अच्छी पोजीशन बोली जा सकती है कि वो अपनी मित्र राशि के अंदर बैठा है, बलवान होकर त्रिकोण के अंदर बैठा है जो कि लक्ष्मी स्थान बोला गया है। तो ये व्यक्ति के पास धन होना चाहिए। परंतु जो डिस्पोजिटर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे कि अगर इसी चार्ट के अंदर कर्क लग्न के अंदर अगर वृश्चिक राशि के अंदर सूर्य बैठा है, लेकिन अगर मंगल आपका जो है कि यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए, यानी कि अगर उसका डिस्पोजिटर सूर्य का 6, 8, 12वें भाव में बैठ जाए, तो ये जो है कि धन की स्थिति के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो धनेश यानी कि सेकंड लॉर्ड जहाँ पर बैठा हुआ है, उसका स्वामी जो है कि त्रिक भाव में चला गया। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी की बात रहेगी यहाँ पर अगर होगा, तो अड़चनें आएंगी, लिटिगेशन लग सकते हैं या पैसे को लेके, या कर्जा बढ़ सकता है। क्योंकि मंगल जो कि एक तो कर्जिया कारक है, दूसरा जो है कि 6th हाउस के अंदर जो है वो कर्जे का है। अगर यहाँ बैठता है तो मंगल अपनी शत्रु राशि के अंदर है, शनि की राशि के अंदर है, तो यहाँ पर और दिक्कतें देगा, पीड़ा बढ़ाएगा, लॉसेज ज़्यादा कराएगा। और अगर यहाँ मंगल बैठता है तो वो जो है कि सबसे ज़्यादा ख़राब पोजीशन है, क्योंकि तो वो लॉसेस का भाव है। दूसरा जो है कि वहाँ पर जो है कि मंगल अपने कट्टर शत्रु बुध की राशि के अंदर। ये तो एक सिंपल सा जो है कि एक रूल हो गया, जो कि आप सभी को मालूम भी होगा इस चीज़ के बारे में। और इसी के विपरीत अगर आपका जो है कि मंगल अच्छी पोजीशन में बैठ गया, जैसे कि मान लीजिए कि मंगल यहाँ पर आ गया या मंगल यहाँ पर आ गया, तो ये चीज़ें जो है कि मंगल जो है कि जो सूर्य का डिस्पोजिटर होकर अगर 10वें भाव में बैठता है कर्क राशि के अंदर, एक तो वो स्वग्रही हो गया, एक वहाँ पर जो है कि उसको दिग्बल प्राप्त हो गया। तीसरी बात यह है कि सूर्य जहाँ पर उच्च का होता है, मंगल वहाँ जाकर बैठा है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि सूर्य जहाँ उच्च का होता है वहाँ मंगल जाके बैठे, तो वो जो है कि सूर्य के कार्यत्व को और बढ़ाएगा। अगर वो नवम भाव में बैठता है मंगल, यहाँ पर भी वो अच्छी पोजीशन है, क्योंकि जो है कि सूर्य का डिस्पोजिटर जो है कि मंगल है, वो जो है कि अपनी मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ है और एक लक्ष्मी स्थान के अंदर, त्रिक भाव के अंदर ना होकर एक लक्ष्मी स्थान के अंदर है, जो कि लक्ष्मी के को बढ़ाएगा, वेल्थ को बढ़ाएगा। और जो है कि वो डिस्पोजिटर किसका है, सेकेंड लॉर्ड का, सूर्य का। तो वेल्थ के बारे में ये अच्छी पोजिशन बोली जा सकती है। ये तो एक सिंपल सा रूल है, लेकिन आज हम थोड़ा सा इससे एडवांस जो रूल है, जो जिसके बारे में कम बताया जाता, हम उसकी बात करेंगे। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी ग्रह जिसके की जो राशियां हैं, जैसे कि कुछ ग्रहों की 2 राशियां हैं, सूर्य और चंद्र की 1 राशि, अगर किसी ग्रह की राशियों के अंदर पाप ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके चार्ट के अंदर ये शुक्र की राशि है और यहाँ पर मार्स, केतु, राहु, शनि, कोई भी एक ग्रह, कोई भी 2 ग्रह, कोई भी 3 ग्रह अगर इन राशियों में बैठे हैं, शुक्र की राशि के अंदर मेनली, इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यहाँ बैठा हो कोई एक ग्रह, मान लीजिए कि मार्स केतु यहाँ बैठे हैं, बाकी सैटर्न और राहु यहाँ बैठे हैं, मतलब ये शुक्र की राशियों के अंदर पाप ग्रह बैठे हुए हैं,
तो शुक्र जहाँ कहीं पर भी बैठेगा वो इन ग्रहों का जो पाप प्रभाव है, जो सेपरेशन की टेंडेंसी है, जो कि जीव की हानि करने की टेंडेंसी है, उसको साथ लेकर चलेगा। जहाँ पर भी मान लीजिए शुक्र बैठा, भले ही शुक्र उच्च के होकर यहाँ पर बैठ जाए, अगर हम यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं तो उनका जो है कि नवम भाव का जो कारतत्व हैं, नवम भाव के जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि पिताजी हैं, जो जीव हैं, उनको हानि पहुंचाएगा। क्योंकि जो है कि वीनस भले ही सौम्य ग्रह है, उचका होकर बैठा हुआ है, 11th लॉर्ड 4th लॉर्ड यहाँ उचका होकर बैठ गया, परंतु उनकी राशियों के अंदर अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो उनका प्रभाव शुक्र के अंदर होगा। शुक्र जो है कि उस ग्रहों की तरह एक्ट करेगा जो उसकी राशियों में बैठे हुए हैं। ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो डिस्पोजिटर के अंदर काम आता है। और साथ ही साथ एक दूसरी बात और, ये तो हो गई एक बात कि भाई जिस राशियों के अंदर कोई भी पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो उसका स्वामी उसका जो है कि पाप प्रभाव अपने साथ लेकर चलता है। वो जहाँ पर भी बैठेगा, जहाँ पर भी दृष्टि डालेगा, मान लीजिए यहाँ दृष्टि डालेगा, यहाँ बैठा हुआ है, तो दोनों जगह जो है कि जो भी ग्रह इनके अंदर बैठे हुए हैं उसका पाप प्रभाव पहुँचेगा शुक्र के द्वारा, क्योंकि शुक्र उनका डिस्पोजिटर है। एक तो ये हो गया। दूसरा, कोई भी दो पाप ग्रह साथ बैठे हैं, कोई भी दो पाप ग्रह साथ बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक मैं बताऊं एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पर आपके शनि बैठे हैं और साथ में राहु है, और यहाँ आपके जो है कि मंगल बैठ गए, अब जो शनि का प्रभाव जहां पर भी जाएगा, क्योंकि तो शनि की राशि के अंदर मंगल बैठा हुआ है, हालांकि यहां पर आपको देखने में मंगल और शनि का राशि परिवर्तन नजर आ रहा है, जो बोलते कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूत्र है, परंतु शनि की दृष्टि कहीं पर भी जाएगी या शनि जहां बैठा हुआ है वहां पर मंगल का प्रभाव भी आएगा, क्योंकि शनि मंगल के प्रभाव को अपने साथ लेकर गया हुआ है। यहाँ पर जो है कि शनि जब यहाँ से दशम भाव को देखेगा तो दशम भाव के अंदर शनि की दृष्टि के वजह से, एक तो शनि की वहाँ पर दृष्टि पहुँची सातवें भाव के ऊपर, साथ ही राहु उसके साथ बैठा हो तो राहु के कारतत्व को लेकर, राहु के पाप प्रभाव को लेकर साथ चलेगा। राहु भले ही यहाँ पर सप्तम भाव को नहीं देख रहा है लेकिन उसका प्रभाव शनि के द्वारा वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप शनि की दृष्टि ना मानकर शनि और राहु दोनों का प्रभाव मानेंगे। 7th हाउस में शनि राहु दोनों का प्रभाव पहुँच रहा है, और साथ ही साथ शनि की दृष्टि द्वारा मंगल का प्रभाव भी वहाँ पहुँच रहा है, क्योंकि मंगल शनि की राशि में बैठा हुआ है, तो जो शनि है वो मंगल का प्रभाव लेके जो है कि बैठा हुआ है, तो यहाँ पर शनि के द्वारा राहु और मंगल दोनों का प्रभाव यहाँ पहुँचेगा, शनि का तो वहाँ पर है ही। तो आप ये कह सकते हैं कि 7th भाव 7th भाव के ऊपर, विवाह के भाव के ऊपर, क्योंकि लिविंग थिंग्स जो है उनको बिगाड़ना है इन्होंने, जो कि पाप ग्रहों का एक नैसर्गिक जो है कि फल देने का तरीका है कि वो जो है कि जीव को नुकसान पहुँचाते हैं, मटेरियलिस्ट चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि वो जो है कि 7th हाउस में जीव कौन है, शादी है यानी स्पाउस है, तो वहाँ पर शादी साथ जिंदगी के लिए ये जो आपकी दृष्टि है शनि की, ये खराब, तो शनि की दृष्टि वैसे भी जो है कि लेट करती है शादी को अगर आप सप्तम भाव में पड़ जाए, लेकिन यहाँ पर शनि के साथ साथ राहु और मंगल तीन तीन पाप प्रभाव जो है कि सप्तम भाव के ऊपर हैं, यह स्थिति अच्छी नहीं। इसी प्रकार से जो मंगल यहाँ पर दूसरे भाव को या तीसरे भाव को देख रहा है, तो मंगल जो है कि मंगल अकेला अपना प्रभाव वहाँ नहीं डाल रहा है दूसरे भाव पे, मंगल के साथ साथ जो है कि शनि और राहु की दृष्टियाँ भी यहाँ से पहुँच रही हैं। मंगल अष्टम दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा है, तीसरा भाव जो है कि भाई बहनों का होता है, सिबलिंग्स का होता है,
तो ऐसी स्थिति में या तो सिबलिंग्स होंगे नहीं, अगर होंगे तो उनके साथ ज़्यादा जातक ही बनेगी नहीं, या उनके जो है कि बीमारी वगैरह या कुछ, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहेगी, क्योंकि तो वो तीसरे भाव के ऊपर तीन तीन ग्रहों का प्रभाव पहुंच रहा है, तीन पाप ग्रहों का। आप इस तरीके समझ सकते हैं, कोई भी ग्रह जिसके जिसकी राशि में कोई पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो उनके कार्तत्व को अपने साथ लेके जाता है, और कोई भी पाप ग्रह के साथ कोई दूसरा पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो वो जो है कि उसके कार्तत्व को अपने साथ लेकर दृष्टि डालता है, जो कि उसकी दृष्टि बनती है। जैसे राहु की दृष्टि अगर पंचम है, तो ये पंचम दृष्टि से यहाँ देखेगा, साथ ही साथ शनि का प्रभाव भी यहाँ पहुँचेगा दूसरे भाव पर, और मंगल यहाँ से सीधा जो कि वहाँ पर पहुँच रहा है, जो शनि और राहु का प्रभाव साथ लेके जा रहा है। तो यानी कि दूसरे भाव पे, तीसरे भाव पे तीन तीन पाप ग्रहों का प्रभाव है, इसी प्रकार से सप्तम भाव पे भी तीन तीन पाप ग्रहों का प्रभाव है। इस प्रकार से आप डिस्पोजिटर को जो है कि यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ आज की कैसे एक जाति का के पत्रिका के अंदर जो है कि हम देखेंगे कि शादी के 8वें दिन जो है कि उसके पति का जो है कि मृत्यु हो जाती है, और 8 दिन के भीतर शादी के जो है कि स्पाउस का उनका बिछड़ जाना, वो किस तरीके से एक सौम्य ग्रह के द्वारा ये चीज़ें जो कि घटित हुई हैं, मैं उसको बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि ये जो सूत्र है, जिसको कि ज़्यादातर जो वीडियोस बनती हैं या उसमें है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इस चीज़ को बताते नहीं है, सिंपल सिंपल जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिसको देखने में मज़ा आए, ज़्यादातर वैसी वीडियोस बनती हैं। ये एक जातिका की पत्रिका है। अगर हम पहली दृष्टि में देखें तो दूसरे भाव के अंदर लग्नेश बैठे हुए हैं, दूसरे भाव के अंदर लग्नेश बैठे हुए हैं, और जो है कि एक शुभ ग्रह हैं, अपने मित्र बुध की राशि के अंदर हैं, तो बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं वहाँ पर जो है कि शुक्र। और जो है कि जब हम जीवन साथी की बात करते हैं, तो जीवन साथी की अगर उम्र की बात करते हैं, तो जीवन साथी की का जो भाव है सप्तम भाव, वहाँ से अष्टम भाव की बात करेंगे। जैसे कि हमारी उम्र हमारे अष्टम भाव से देखी जाती है, उसी तरीके से ये जीवन साथी का घर है, और उससे अष्टम भाव हमारा दूसरा भाव पड़ता है, तो वो हमारे जो स्पाउस है, हमारे जीवन साथी हैं, उनका जो है कि उम्र का भाव है, उनकी आयु का भाव है, कि उनका साथ हमारे साथ कितना है, हमारे साथ वो कितने दिन तक रहेंगे, तो वो हमारा दूसरा भाव है। वहाँ पर सौम्य ग्रह लग्नेश होकर बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति नज़र आ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो कि सौम्य ग्रह भी अगर उसके किसी भी राशि के अंदर पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो उनका जो है कि प्रभाव अपने साथ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शुक्र की जो दूसरी राशि है, जो छठे भाव के अंदर बैठे राशि पड़ती है, और वहाँ पर मंगल और केतु, मार्स और केतु, ये दो जो है कि पाप ग्रह बैठे हुए हैं, और जो है कि हिंसा एक्सीडेंट इन चीज़ों के कारक हैं, ऑपरेशन, मार्स और केतु दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हिंसात्मक प्रवृत्ति के जो है कि ग्रह, अंगारक योग बोला गया कि मंगल और केतु साथ बैठे हुए। तो यहाँ पर जो है कि शुक्र जो है कि शुक्र की राशि में ये दोनों बैठे होने के कारण शुक्र के अंदर मंगल और केतु का प्रभाव है, जो है कि दूसरे भाव में पहुँचा शुक्र के द्वारा, क्योंकि शुक्र की राशि में पाप ग्रह होने से शुक्र जो है कि उनके पाप प्रभाव को अपने साथ लेकर चल रहा है, तो वो वहाँ पर जो है कि दूसरे भाव के अंदर
पहुंचा। साथ ही साथ यहां से केतु की नवम दृष्टि अगर आप देखेंगे 7, 8, 9 दूसरे भाव पे पहुंच रही है। केतु की दृष्टि जो दूसरे भाव पे पहुंच रही है वो नवम दृष्टि पहुंच रही है, लेकिन साथ ही साथ जो है कि मंगल जो साथ बैठे हुए हैं केतु के, तो केतु जो है कि मंगल का प्रभाव अपने साथ लेकर चल रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि दूसरे भाव के ऊपर मंगल और केतु दोनों की दृष्टि है। मंगल केतु की दृष्टि दूसरे भाव पे हुई, यानी कि दो पाप प्रभाव दूसरे भाव पे हो गए मंगल और केतु। और दूसरा जो है कि वहाँ पर शुक्र बैठे हैं जो मंगल केतु का प्रभाव लेके बैठे हुए हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मंगल और केतु का दोहरा प्रभाव, एक शुक्र के द्वारा और एक केतु के द्वारा, यानी आप कह सकते हैं कि चार पाप ग्रहों का जो है कि प्रभाव दूसरे भाव के ऊपर है। तो जो स्पाउस की उम्र थी वो बहुत कम कर दी, क्योंकि चार चार बार प्रभाव वहाँ पर पहुँच रहा है, दो बार मंगल का, दो बार शुक्र का। और जब हम जातिका की बात करते हैं तो गुरु ग्रह जो है उसके बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि वैदिक के अंदर गुरु को पतिया कारक बोला गया। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे गुरु जो है कि यहाँ पर जो कि चौथे भाव के अंदर बैठा हुआ है और अपने सबसे बड़े शत्रु बुध के साथ, साथ ही साथ इस बृहस्पति के ऊपर राहु की दृष्टि, राहु की पंचम दृष्टि वहां पहुंच रही है। अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो मंगल राहु को देख रहा है, मंगल यहां से राहु को देख रहा है, तो राहु जो है मंगल का प्रभाव लेके जुपिटर को खराब कर रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो पति के कारक जुपिटर है वहाँ पर राहु के द्वारा मंगल का प्रभाव भी पहुँचाया जा रहा है, यानी कि फोर्थ हाउस के ऊपर जुपिटर के ऊपर मंगल और राहु की दृष्टि है। अगर इसमें दूसरा सूत्र लगाएं कि जिस भाव के अंदर राहु बैठा होता है वो उसकी तरह काम करता है, उस राशि स्वामी की तरह, तब भी मंगल का प्रभाव उसके अंदर आता है। मंगल छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो डिस्पोजिटर का जो रोल है ये सिर्फ सिंपली जो मैं शुरू में बता रहा था इस भाव का स्वामी यहाँ गया, इसका यहाँ गया, वो तो है ही है, लेकिन जो अगर बहुत ही महत्वपूर्ण जो अगर आपको प्रेडिक्शंस करनी है या किसी भाव को देखना है, कोई भी भाव है अगर उस पर इस तरीके से पाप प्रभाव पहुँच रहा है तो वहाँ पर वो हानि करेगा। जैसे कि अगर आपको बच्चों का देखना है, बच्चों की उम्र का बारे में देखना है, तो ये वाला भाव, क्योंकि बच्चों के जो घर है उससे जो है कि 12वां भाव जो होता है वो उनकी जो लॉन्जिविटी का होता है, या अष्टम भाव के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है तो हमारी अष्टम भाव और लगन के ऊपर तो हमारी लॉन्जिविटी है। अगर किसी के चार्ट के अंदर मान लीजिए कि अष्टम भाव और जो है कि आपके जो कि लगन के ऊपर अष्टमेश के ऊपर ज़्यादा प्रभाव आ रहा है तो वो भी दिक्कत वाली बात है। किसी चीज़ के भी मतलब आप देख सकते हैं, अगर आप देखें अगर चौथे भाव के ऊपर ज़्यादा पाप प्रभाव आ रहा है तो चौथा भाव जो है कि अपने पिताजी की जो है उससे अष्टम भाव है, यानी कि पिताजी की उम्र को दिक्कत है वहाँ, इस तरीके से अगर वो वहाँ पर जो है कि बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव पहुँच रहा है। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण सूत्र था जो मेरे लगता है कि आपको जो कि आगे अपने चार्ट वगैरह जब देखोगे तो उसके अंदर प्रडिक्शन करने के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको मदद मिलने वाली है। क्योंकि डिस्पोजिटर को जांचना सबसे पहले आपने करना क्या, सबसे पहले आपने ये देखना है कि अभी हमने किस चीज़ के बारे में हम देख रहे हैं। उस घर को आपने देख लिया कि हाँ भाई ये घर हमें देखना है। जैसे अगर इसी चार्ट के अंदर अगर हम तीसरे भाव को देखें जहाँ पर शनि की दृष्टि पहुँच रही है, सूर्य बैठे हुए हैं वहाँ पर, अगर वहाँ पर किसी और की दृष्टि ऐसे पहुँचती, यानी उस भाव को देख ले, जैसे कि अभी हम अगर पति के स्पाउस के उम्र के बारे में जानना चाहते हैं तो हम सप्तम भाव को देखेंगे जहाँ नीच के बैठे हुए हैं चंद्रमा, और वो जो है कि सूर्य